जैसे कि देख रहे हैं आप हमारा ये वॉल में वॉलपेपर का काम चल रहा है, और जो वॉलपेपर हमारा होता है यहाँ पे, मैंने जैसे आपको बताया वीडियो के क्लिप में दिखाया कि हमारा जो ये वॉलपेपर का जो साइज है ये 42 इंचेस का है, ये जो आप चौड़ाई देख रहे हैं, क्योंकि इसमें दो रोल है। और ये जो है ये कोरियन पेपर में है, इसका जो पेपर का थिकनेस होता है, क्वालिटी होता है, वो काफी अच्छा होता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वॉलपेपर जो वॉल जो सरफेस होता है वो किस कंडीशन में होना चाहिए। सबसे पहले जो ये वॉल है वॉलपेपर लगने के लिए, आपका वॉलपेपर में पुट्टी होना चाहिए, पुट्टी होके आपका प्राइमर होना चाहिए, और प्राइमर करने के बाद आप इसमें ऑयल प्राइमर भी कर सकते हैं और वाटर प्राइमर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो बेस्ट होता है वो हमारा ऑयल प्राइमर होता है आपको वॉलपेपर लगाने के लिए। तो इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके चैनल इंटरजगत में, और आप सब देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल इंटरजगत। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये वॉलपेपर का वीडियो। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये वॉलपेपर कैसे फिट करते हैं। ओके, ये जो हमारा रोल का साइज है जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा 42 इंच का, क्योंकि ये जो रोल आप देखें इसमें हमारा एक साथ में दो रोल का कवरेज है। इसका जो अगर आप एक रोल लेते हैं तो ये आपका 21 इंच का आता, लेकिन जब अगर मान लीजिए आपके एक वॉल में दो रोल से ज़्यादा लग रहा है या फिर एक रोल से ज़्यादा लग रहा है, तो आपको क्या है कि आपको हमेशा 42 इंच का जो रोल आता है तो इस टाइप का आपको रोल लेना है, ताकि आपका जो जॉइंट है वो कम दिखे, मतलब कम रहे, और वो चीज़ आपका ज़्यादा बेटर हो काम। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम लोगों ने, ये हमारा दो रोल का वॉल है तो हम लोग यहाँ से पूरा इसको ये कर रहे हैं। ये देखिए, ये है हमारा वॉल का पूरा सरफेस एरिया जहाँ पे हमारा ये वॉलपेपर लगने वाला है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे वॉलपेपर पूरा कटिंग करके रोल रख लिया है, अब यहाँ पे हम लोग इसको लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, ये हम लोग का जो हम लोग का कटिंग हुआ है चार पीस, तो यहाँ पे दो पीस में जो है एडिसिव लगाना हो गया है। और हम लोग का क्या होता है कि पहले एडिसिव ये पहले लगा लेते हैं, लगाने के बाद इसको हम लोग एक साइड से यहाँ पे वॉल में हम लोग इसको फिटिंग करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये गम लगा के एडिसिव लगा के, और ये जो एडिसिव है आपको हमेशा ब्रश से लगाइए, ताकि प्रॉपर वे में आपका पूरा जो एडिसिव है वो अच्छे से लगे, प्रॉपर तरीके से लगे। बहुत लोग वो हाथ से लगाते हैं, लेपा मारते हैं पूरा, है ना, हाथ से, तो वो आप वो भी करते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में अगर आप काम करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप ब्रश से काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। पेपर का ये जो क्वालिटी है, तो इसमें हमारा जो गम लगेगा वो डबल कोट लगेगा। पहला कोट इन लोगों ने मार के रखा था, सर इसमें हम लोग दो कोट लगाएंगे, क्योंकि ये कोरियन पेपर जो है थोड़ा थिकनेस में मोटा होता है ना, कोरियन पेपर का जो थिकनेस होता है वो ज़्यादा मोटा होता है, इसके वजह से इसमें जो एडिसिव है वो डबल एडिसिव होता है। और इस बीच में काम करते करते हमारा जो एक बंदा है वो जो कॉर्नर है यहाँ पे, कॉर्नर में जो बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा जॉइंट पेपर का हट जाता है, तो वो ना हटे, उसके वजह से आपका वो जो कॉर्नर आप देख रहे हैं वहाँ पे कॉर्नर में ये फेविकॉल जो है कॉर्नर में मार रहा है, ताकि अच्छे से जोड़ पेपर का छूटे नहीं, ऊपर में कॉर्नर में और ये साइड कॉर्नर में जैसे आप देख रहे हैं, तो ये आपको फेविकॉल मार लेना है। तो ये जो हमारा फाइबर है उससे पूरा आपको आराम से मिला लेना है, ताकि जो इसका गम है और जो पेपर का जो रिंकल्स होता है वो रिंकल्स ना पड़े पेपर में ज़्यादा। तो इसके वजह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा फिटर है वो हमेशा इसको फाइबर अच्छे से चारों तरफ से मारेगा, ताकि जो पेपर का रिंकल्स है वो ना पड़े, और जितना भी एक्स्ट्रा एडिसिव है जो गम है वो साइड से आपका निकल जाए। जैसे आप पेपर में देखेंगे यहाँ पे बीच में आपका एडिसिव है, थोड़ा एयर है, तो उसको क्या किया जाता है कि ये जो फाइबर है ये फाइबर से हम लोग साइड टू साइड यहाँ पे
पूरा अच्छे से सेंड करना पड़ेगा, मतलब इसको निकालना पड़ेगा ताकि जो पेपर का एक्स्ट्रा एयर है और गम है वो निकल जाए साइड से। आपको प्रॉपर वे में आपको फाइबर चलाना है जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये फाइबर की अगर बात करें, एक बार फाइबर देखो, ये आप देख सकते हैं इनका ये फाइबर इस तरीके से है। तो ये फाइबर से ये पूरा वॉलपेपर का जो एडिसिव है एक्स्ट्रा वो यहाँ पे निकाला जा रहा है और इसको अच्छे से सैंड किया जा रहा है ताकि जो पेपर में साइड में आप रिंकल्स देख रहे हैं वो रिंकल्स कहीं पर भी ना पड़े और दीवार के साथ जो इसका जो पकड़ है वो अच्छे से रहे। तो इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी आप वॉलपेपर करेंगे या फिर लगाएंगे। और यहाँ पे जो जॉइंट आप देख रहे हैं, फिर से आपको जॉइंट में जो है हमारा यहाँ पे फेविकॉल लेके पेपर का जो जॉइंट है वो वहाँ पे आपको फेविकॉल लगा लेना है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। बहुत लोगों का ये होता है कि सर हमारा जो जॉइंट है ना वो फेविकॉल ये हट जाता है, दिखता है। तो जो रीज़न होता है वो ये होता है कि आपको जो जॉइंट में है आपको जॉइंट में भी अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा ताकि वो जॉइंट आपका हटे नहीं। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं ये एडिसिव लगाया जा रहा है, एक्स्ट्रा फेविकॉल जो है वो लगाया जा रहा है ताकि आपका जो जॉइंट है वो अच्छे से पकड़ के रखे और वो विजिबल ना हो जॉइंट। और कुछ कुछ डिज़ाइन में आपका डिपेंड करता है कि जॉइंट प्रॉपर दिखेगा कि नहीं दिखेगा। हम लोग का जो कोशिश होता है वो कोई भी वॉलपेपर में वो जॉइंट ना दिखे। ये जैसे देख रहे हैं आप हमारा जो जॉइंट है, अब यहाँ पे इन लोगों ने मार्किंग करके रखा था थोड़ा सा कि जॉइंट जो मिलना जो पैटर्न है वो प्रॉपर वे में मिले। और यहाँ पे आप देखिए जैसे इसका जो जॉइंट का एक्स्ट्रा पार्ट है वो थोड़ा सा था और यहाँ पे जब जॉइंट मिलाने के लिए जो ऊपर में जो वेस्टेज होगा वो आपका थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि जॉइंट मिलाने के लिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जॉइंट कहीं से भी विजिबल नहीं होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्पॉन्ज, इसमें हम लोग का थोड़ा बहुत वाटर रहता है और जो भी आपका मान लीजिए फाइबर चलाते समय या फिर जब भी आपका थोड़ा बहुत एडिसिव है तो इसको क्लीन करने के लिए ये फॉर्म का ये जो स्पॉन्ज है इसमें थोड़ा पानी है तो इसको क्लीन करने के लिए वॉलपेपर में लगाया जाता है। और यहाँ पे आपका फाइबर जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो कटिंग करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा एडिसिव यहाँ पे निकल के आ रहा है तो उसको साफ करने के लिए इस स्पॉन्ज को काम में लाया जाता है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ये जो फेविकॉल आप देख रहे हैं ये जो दरवाजा का फ्रेम का साइड में है और ये जो स्विच बोर्ड है यहाँ पे पेपर हम लोग का जब कटिंग होता है तो गम थोड़ा कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या है कि ये साइड में हम लोग को फेविकॉल लगा लेना है। और ये जो फ्रेम के साइड में है इस साइड में भी हम लोग को फेविकॉल जो जॉइंट में है वहाँ पर भी आपको देना पड़ेगा ताकि जो जॉइंट है वो प्रॉपर वे में आपका यहाँ पे छूटे नहीं, मतलब जॉइंट में जो क्रैक मतलब आपका उड़ जाता है वॉलपेपर वो ना हो, इसके वजह से यहाँ पे जॉइंट में हम लोग फेविकॉल देते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ये जो है हमारा ये लास्ट पेपर जो है जो जॉइंट है वो लास्ट जॉइंट है यहाँ पे हमारा और ये पेपर का जो रोल है वो भी यहाँ पे ये आखिरी लाइन है जो यहाँ पे आप देख रहे हो।
तो यहाँ पे पूरा काम हो जाने के बाद अभी जो स्पॉन्ज है उसे जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा एडिसिव था, जैसे फ्रेम वगैरह में, इधर नीचे में, स्कार्टिंग में, फ्लोर में, तो वो पूरा ही आपको क्लीन कर लेना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एडिसिव दिखता नहीं है और वो बाद में जब ड्राई हो जाता है तो वो पूरा येलो एक दाग स्पॉट टाइप का हो जाता है। इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है। और जब भी अगर आप वॉलपेपर लगाते हैं तो आप साइड से जॉइंट वगैरह को या फिर ये साइड से आप देख लीजिए कि कहीं पर भी आपको रिंकल्स वगैरह या फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा जो एडिसिव है वो तो कहीं आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो अगर आपका दिखेगा भी अभी तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो है पूरा वॉलपेपर आप लगाने के बाद कहीं से भी आपको कोई भी जॉइंट यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे अभी हमारा एक कटपीस लगने वाला है तो वो हम लोग लगा लेंगे, अदरवाइज हमारा ये जो वॉलपेपर है ये हम लोगों ने यहाँ पे लगा। तो जैसे कि देखा आप लोगों ने ये वॉलपेपर, ये वॉल जो हम लोगों ने लगाया, अगर ये वॉलपेपर आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी चाहिए तो हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो ये आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपको डिलीवरी में करके। तो आज लेते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय।